हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को स्निफल्स, द क्रोकोडाइल एंड पंच द बटरफ्लाई पढ़ाया था। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवाया था, तो वो एमसीबी बुक था। और आज मैं आप लोगों को वर्कबुक करवाने जा रही हूँ। 5 चैप्टर है, स्निफल्स, द क्रोकोडाइल एंड पंच द बटरफ्लाई। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, पहले वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, द बंगाल टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट इज़ लाइट ऑफ डार्क ऑरेंज इन कलर विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स स्किन। इट हैज़ येलो आइज। इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी एंड कैन स्विम एंड इवन क्लाइंब ट्री। ठीक है, हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। वो डार्क ऑरेंज कलर का होता है, उस पर ब्लैक कलर के स्ट्रैप्स होते हैं, उसके आइज येलो होते हैं, वो बहुत ही बहादुर होता है और वो अपने भोजन खुद ढूंढता है और वो पेड़ों पे भी चढ़ता है। ठीक है, टाइगर्स आर nocturnal animal with means that they sleep during the day and hunt for food at night। टाइगर जो होता है वो nocturnal animal होता है, जो कि दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। ठीक है, तो टाइगर जो होता है दिन में सोते हैं और रात में अपने शिकार को ढूंढते हैं, उसे मारते हैं। ठीक है, टाइगर आर फाउंड इन मैनी स्टेट इन इंडिया एंड इन नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। दे लिव इन थिक जंगल, मोनवेड स्वाम्प एंड टॉल ग्रास लैंड। ठीक है, टाइगर जो है वो हमारे पड़ोसी देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, और टाइगर जो होता है वो जंगल में रहते हैं, ग्रासलैंड, जहाँ पे घास होती है वैसे भूमि में भी रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ टाइगर कॉन्वेशन प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम एक्सीडक्शन। एज ऑन 30 अक्टूबर 2017 द प्रोजेक्ट हैज़ सेट अप 50 टाइगर रिवर्स इन इंडिया। हमारे जंगलों में से टाइगर का जो टाइगर जो थे वो कम होने लगे थे। क्यों कम होने लगे थे? क्योंकि इन्हें लोग मारने लगे थे, इसका शिकार करने लगे थे, जिस कारण से टाइगर कम होने लगे थे। तो जिसे बचाने के लिए हमारे देश में 30 अक्टूबर 2017 को एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसमें कि टाइगर को बचाने का ये थर्टी अक्टूबर 2017 द प्रोजेक्ट हैज सेट अप 50 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, अब हम इसे आगे देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन दिया हुआ है और वहाँ तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस जो सही होगा वो आपको टिक लगा देना है। ठीक है, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? तो द टाइगर, इसलिए हम लोग द टाइगर पे टिक लगा देंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्ट्रिप्स ऑन द टाइगर स्किन। टाइगर के स्किन पे किस कलर का स्ट्रैप्स होता है? तो ब्लैक कलर का। ठीक है, टाइगर का कलर होता है ऑरेंज, लेकिन उस पर जो स्ट्रैप्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, वेयर डू टाइगर्स लिव। ठीक है, वेयर डू टाइगर्स लिव। टाइगर कहाँ रहते हैं? इन थिक जंगल। टाइगर कहाँ रहते हैं? जंगल में। अकॉर्डिंग टू द पेस हाउ मैनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया। तो कितने? 50, है ना? आंसर क्या हमारा हो जाएगा?
50 टाइगर. ओके. फाइव नंबर, विच ऑफ दिस सेंटेंस इज ट्रू. ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि ये दोनों सेंटेंस जो है वो सही हैं या गलत हैं. ठीक है, तो टाइगर कैन स्विम एंड क्लाइम ट्री. टाइगर जो है स्विम भी करता है और ट्री पे चढ़ता भी है, ये भी सही है. टाइगर स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड हंट फॉर फूड एट नाइट. टाइगर जो है वो दिन में सोता है और रात में अपने शिकार करता है. तो दोनों सही होगा, तो बोथ ए एंड बी. ओके, अब हम आगे देखेंगे. आगे हमारा क्वेश्चन आंसर है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, राइट टू सेंटेंस ऑन द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. ठीक है, आंसर है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज रॉयल बंगाल टाइगर एंड इट इज नॉक्टर्नल एंड कैन स्विम एंड क्लाइम ऑन ट्री. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर. आंसर आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर इज अ टाइगर कॉन्वेंशन प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर फ्रॉम एक्सीडक्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेट अप टाइगर रिजर्व. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. सेंटेंस आंसर आपको हो जाएगा सेंस वी नो दैट ह्यूमन किल्स टाइगर बिकॉज दे किल ह्यूमन सो वी मस्ट रिस्पेक्ट सेपरेट ह्यूमन एंड टाइगर सो दैट बोथ मे लिव देयर लिव्स पीसफुली. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेट अप टाइगर रिजर्व. ठीक है, आंसर आपका है थर्ड का हो गया सेंस वी नो दैट ह्यूमन किल्स टाइगर बिकॉज दे किल्स ह्यूमन सो वी मस्ट सेपरेट ह्यूमन एंड टाइगर सो दैट बोथ मे लिव देयर लिव्स पीसफुली. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेट अप टाइगर रिजर्व. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया. अब यहाँ हम देखेंगे राइट द प्लूरल फ्रॉम द दीज वर्ड्स. एनिमल्स और कंट्री है, इसके आपके प्लूरल बनाने हैं. एनिमल्स का एनिमल का एनिमल्स हो जाएगा और कंट्री का कंट्रीज. ओके, अब यहाँ देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स. ठीक है, यहाँ कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसे आपको सिंगुलर और प्लूरल के रूप में भरना है. ठीक है, फर्स्ट आपका भरा हुआ है दिस इज अ पिंक रोज. ठीक है, ये हमारा सिंगुलर हो गया. ओह What a beautiful bunch of flowers. Flowers हमारा क्या हो गया, plural हो गया. ठीक है, Our house top has a red chimney. Chimney क्या हो गया हमारा, singular हो गया. The chimneys in my area emit a lot of smoke. तो चिमनीज क्या हो गया, प्लूरल हो गया. ठीक है, द चाइल्ड क्राई वॉज हियर्ड बाई द मदर. क्राई क्या हो गया, सिंगुलर हो गया.
और यहाँ हम लोग प्राइज लिख देंगे जो कि हमारा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। द सेड क्राइज ऑफ द चिल्ड्रेन कुड बी हियर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। चूज द करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वन हैज़ बीन डन यू डन फॉर यू, ओके। यहाँ भी आपको सिंगुलर और प्लूरल देखकर इसे भरना है, ठीक है। यहाँ आपको प्लूरल दिया हुआ है और यहाँ क्या जो भी करेक्ट होगा उसे आपको भरना है। द ट्री आउटसाइड आवर हाउस हैज़ मैनी ब्रांच, ओके। सी हैज़ लॉन्ग बैक आईज लेज, ठीक है। आई हैड ओनली वन इंग्लिश क्लास। अ थीप वाज कॉट नियर आवर हाउस लास्ट नाइट, ओके। ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है, कुछ आगे दिया हुआ है जो कि आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। आपका वो होमवर्क है, SW है। जैसे यहाँ देखिए जेली प्लस फिश, जेली फिश हो गया, कप प्लस केक, कप केक हो गया, उसी तरह से आपको इसे करना है, ठीक है। यहाँ है रीड दी सेंटेंस इंसर्ट क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा वो आपको देख के इसे करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।